जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, शुक्रवार का दिन 24 मार्च वैद्रिति योग अश्वनी नक्षत्र 1:22 तक केतु का प्रभाव, उसके बाद भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। आपके भाग्य अच्छे हैं, आपके जीवन में तरक्की का योग है, सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगा। अश्वनी नक्षत्र का केतु जो आपके अंदर साहस का निर्माण करता है, जिसके प्रभाव से हर कठिन परिस्थिति का सामना आप कर लेते हैं, मुश्किल समय में भी आप डरते नहीं हैं, सकारात्मक विचार आपके जीवन की शक्ति को बढ़ाता है, आपके लिए बड़े लाभ सौभाग्य का अवसर लेकर आता है। आप बड़े भाग्यशाली होते हैं, जीवन में अनेक सुख का भोग करते हैं और आपकी किस्मत भी चमकती है। धन संपत्ति वैभव युक्त आपका जीवन होता है, सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ती है। क्योंकि केतु शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल बृहस्पति की दृष्टि है, आपके लिए समय बड़ा शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए सफलता लाभ सौभाग्य धन समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर है, लग्न के ऊपर केतु बैठा है और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर होने से लग्न के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। साथ ही मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा है। भाग्य स्थान में जब मंगल का गोचर होता है तो आपका इच्छा शक्ति बड़ा मजबूत हो जाता है, जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। बड़ी खुशखबरी सफलता आपको सुख देता है, परिवार में खुशियां बढ़ती है, जीवन में समृद्धि और आपकी इरादों में मजबूती आता है। केतु के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या का समाधान भी हो जाता है, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे नौकरी बिजनेस की समस्या हो, हर समस्या पे आप सफलता पा लेते हैं, हर समस्या पे आप विजय प्राप्त हो जाते हैं, जीवन में बड़ी सफलता भी प्राप्त होती है, आप श्रेष्ठ काम करने की क्षमता आप में होती है, आपके लिए तरक्की लाभ सौभाग्य नौकरी व्यापार में बड़ा शुभ स्थिति का निर्माण होता है, आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं और आप बड़े परिश्रम करने वाले होते हैं, जिससे हर काम में आपको सफलता मिलता है और जीवन में आप बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ऐसी संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रही है कि अब आपका भाग्य भी चमक रहा है, आपके जीवन में तरक्की लाभ का योग भी है, आपका करियर भी अच्छा है, आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी शुभ समाचार और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। आपकी स्थिति तेज गति से बदलेगी और आपका जो आत्मविश्वास है आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देगा। आज आप बड़े भाग्यशाली भी होंगे, आज आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, आपके अंदर बहादुरी करने का साहस भी होगा और जीवन में अपने अनुभव से बहुत कुछ पाएंगे। क्योंकि आपका जीवन बड़ा सुंदर, बड़े भाग्यशाली आप हैं, सौभाग्य का सितारा चमक रहा है और आपके जीवन में तरक्की का योग बन रहा है। आज आप सुंदर भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, सफलता और अपने वाणी से किसी को भी आप अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। मंगल बृहस्पति का दृष्टि है, केतु शुक्र का प्रभाव है, बड़े भाग्यशाली आप हैं, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। तुला राशि वालों, पंचम भाव में बैठा शनि और आपकी कुंडली के लग्न में बैठा केतु आपको आज बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगा, सुख पाने की इच्छा जागृत होगी, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। क्योंकि केतु का प्रभाव आपके अंदर साहस का निर्माण कर रहा है, जो हर समस्या का समाधान कर लेता है, और शुक्र आपके अंदर सुख संपत्ति पाने की इच्छा जागृत कर रहा है, जिससे मेहनत से आप ज्यादा धन कमाते हैं,
ज्यादा सुख पाते हैं, आपके लिए तरक्की उन्नति का योग बनता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, जीवन की चिंताएं दूर होती है और सुख समृद्धि आपके जीवन में प्राप्त होता है। जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत लाभ होता है, समय आपके लिए बेहतर है, आपके प्रयास आपको सफलता देंगे, जीवन की कठिनाई दूर हो रही है, भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है, धन संपत्ति आपके जीवन में बढ़ेगा, सुख और लाभ की आप प्राप्ति करेंगे। यानी केतु और शुक्र के प्रभाव से भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र और अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु अपने लक्ष्य के प्रति आप ज्यादा मेहनत करेंगे, सुख की कामना आपको संतुष्टि देगा, जीवन में भरपूर आनंद उठाएंगे। बड़ी खुशखबरी, शानदार दिन है, आपकी गृहस्थ जीवन में खुशियां भरेगी। आपके लिए आज का दिन सामर्थ साहस आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा, आपके अंदर आकर्षण होगा अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से ऊपर है तो जीवन में परिवर्तन भी संभव है और 33 वर्ष के आसपास आपके जीवन में भाग्योदय हो जाता है, धन वैभव आनंद आपके जीवन में बढ़ता है, बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली आप होते हैं। ये समय आपके लिए बेहतर लाभ का अवसर लेकर आया है, स्त्री से प्रेम करते हैं, भाग्यशाली होते हैं, सुख संपत्ति का भोग करते हैं और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए मनवांछित सफलता पाते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन आपका खुशहाल होता है। मंगल की दशा भी शुभ है, मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा है, जिसके कारण आपके जीवन का सामर्थ्य और शक्ति शुभता लेकर आता है। आज परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा, आपके लिए तरक्की लाभ का योग है, समृद्धि सौभाग्य का योग है, तो बेहतर समय आपके जीवन में शानदार अवसर देता है, जिससे लाभ भी होता है, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं और भाग्य भी आपका साथ देता है, हर तरह का सुख प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है और आपका सोया हुआ भाग्य भी जागता है, बेहद ही शुभ स्थिति आपकी परिस्थिति को बदलता है और आपके जीवन में तरक्की उन्नति का सुख प्राप्त होता है। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, क्योंकि शनि से वैभवशाली पराक्रमी जीवन होगा, शुक्र सुख संपत्ति देगा, अच्छे अच्छे कर्म करते जाएं तो सफलता आपके कदम भी चूमेगी और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा, प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है, जो आपके जीवन में हर प्रकार का काम करने का शक्ति देगा, भाग्य की प्रबलता को बढ़ाएगा, अपने इच्छाओं की आप पूर्ति करेंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और किस्मत का साथ भी आपको प्राप्त होगा। प्रथम चरण का स्वामी बुध, जो सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, जिसके प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, अच्छे अवसर आपके जीवन में बड़ी तरक्की लेकर आएगा, सौभाग्य समृद्धि देगा, सुख पाने की इच्छा आपकी पूरी होगी, मंगल बृहस्पति की दृष्टि से आपके जीवन में शुभता सौभाग्य का योग बन रहा है। द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न पर है, जो आपके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा सुंदर बना रहा है, आपके लिए सुख संपत्ति को, सौभाग्य धन को, लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छाओं को जगाएगा और आपके जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति लेकर आएगा। तृतीय चरण का स्वामी शुक्र आपके जीवन में सुख संपत्ति को बढ़ाता है और चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल, जो धन का स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठा है, तो अपने भाग्य से आप धन कमाएंगे, सुख संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग 24 मार्च शुक्रवार का दिन, चैत मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, वैधृति योग अश्वनी नक्षत्र केतु का प्रभाव, उसके बाद भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव, आपकी कुंडली में मंगल बृहस्पति की दृष्टि, केतु और शुक्र का प्रभाव आपको बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली बना रहा है। आज ब्रह्म मुहूर्त 4:47 से 5:34 ब्रह्म मुहूर्त में
अश्वनी नक्षत्र होगा, केतु प्रभावित करेगा, जो आपकी कुंडली के लग्न में बैठा है, जिसके प्रभाव से आपका जीवन सुंदर और सुखमय बन रहा है। सर्वाधिक सिद्धि योग 6:21 से आरंभ होगा, जो आपके लिए अपार खुशी धन संपत्ति लेकर आएगा, क्योंकि सर्वाधिक सिद्धि योग में आपके लिए लाभ का अवसर प्राप्त होता है। आपकी इरादों में मजबूती आती है, धन संपत्ति का योग बनता है। अमृतकाल 6:24 के बाद आपके लिए दिन और भी ज्यादा धन देने वाला सौभाग्यशाली दिन होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:03 के बाद खुशियां बढ़ेगी, सुख मिलेगा, और विजय मुहूर्त 2:30 के बाद संपत्ति उन्नति तरक्की का अवसर प्राप्त होगा। आज राहु काल 10:56 से 12:28 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। आज पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लक्की कलर पिंक होगा, लक्की नंबर 7 होगा। तो आज का दिन केतु शुक्र का प्रभाव मंगल बृहस्पति की दृष्टि आपकी किस्मत को चमकाएगा, तरक्की लाभ सौभाग्य लेकर आएगा। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, निश्चित ही आपके जीवन में लाभ धन की प्राप्ति होगी और भाग्य आपका चमकेगा। आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, सुख संपत्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके जीवन में लाभ धन सौभाग्य का अवसर प्राप्त होगा, आप भाग्यशाली होंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।